गाइस वेलकम बैक टू राउंड टू फिलिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 8 हॉरर मिस्ट्री मूवीज को जो कि आपको पूरी तरीके से हिलाकर दिलाकर रख देगी और हर बार की तरह सभी मूवीज एक से बढ़कर एक और हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के टॉप 8 हॉरर मूवीज का ये काउंटडाउन। हमारा नंबर 8 की मूवी है दी रिंग जो गई थी साल 2002 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक जर्नलिस्ट की जिसको एक मिस्टीरियस वीडियो टेप के बारे में पता चलता है जिसके बारे में कहा जाता है जो भी इंसान इस वीडियो टेप को एक बार देख ले वो 7 दिनों के अंदर अंदर मारा जाता है। और ये जर्नलिस्ट इस वीडियो टेप को देख लेती है जिसके बाद ये जर्नलिस्ट 7 दिनों के अंदर मरती है या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये मूवी आई थी साल 2016 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लोरा नाम की एक लड़की की जो कि एक कॉलेज में पढ़ती है और वहाँ पर एक लड़की सुसाइड कर लेती है और वो एक वीडियो भी बनाती है जिसमें उसने बहुत ही भयंकर तरीके से सुसाइड किया होता है जिसके बाद लोरा की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। लोरा की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोरा के फ्रेंड्स होते हैं उनको कोई मिस्टीरियस चीज एक एक करके मारने लगती है ताकि लोरा बिल्कुल अकेली हो जाए। आखिर वो मिस्टीरियस चीज क्या है जो कि लोरा को बिल्कुल अकेला कर देना चाहती है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है एनाबेल। ये मूवी आई थी साल 2014 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक कपल की जो कि अपने घर में आराम से रह रहे होते हैं। एक रात इनके घर में इनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं जो कि काले जादू पर विश्वास रखते हैं और वो लोग इनको मारने के लिए इनकी बलि देने के लिए इनके घर में आते हैं पर ये लोग किसी तरह बच जाते हैं और वो लोग इनके घर में एक डोल भी छोड़ जाते हैं और ये लोग उस डोल को अपने पास रखते हैं और एक नई जगह एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब से ये नए घर में आए हैं इनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती है क्योंकि ये उस डोल को भी अपने साथ लेकर आते हैं और आगे इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है नो वन गेट्स आउट अलाइव। ये मूवी आई थी साल 2021 में। ये एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एम्बर नाम की एक लड़की की जो कि इलीगली मेक्सिको से अमेरिका में अपने बड़े सपने लेकर आती है पर अमेरिका आकर इसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पहला इसके पास जॉब नहीं होती, दूसरा ये इलीगली यहाँ पर रह रही है और तीसरा ये रेंट पर एक छोटे सी बिल्डिंग हाउस के एक रूम में रह रही होती है जिसका रेंट भरने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं होते और इस घर में भूत प्रेत भी रहते हैं जो कि इसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाती है या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है दी रूइंस। ये मूवी आई थी साल 2008 में। ये एक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दोस्तों के एक ग्रुप की जो कि गर्मियों की छुट्टी के लिए मेक्सिको जाते हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि इनको एक अनजान टेंपल के बारे में बताता है। ये टेंपल ना तो किसी मैप पर होता है ना ही आज तक इसका किसी ने जिक्र सुना होता है और ये लोग अपनी ट्रिप को और भी ज्यादा एडवेंचर बनाने के लिए उस टेंपल को देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस टेंपल में एक ऐसा पौधा होता है जिसमें एक टेविल की आत्मा होती है। जो भी इंसान इस पौधे को एक बार छूले उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है और ऐसे में इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है ओइजा। ये मूवी आई थी
साल 2014 में। ये हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ दोस्तों की, जो के घर में ओइजा नाम के एक गेम को खेलने की सोचते हैं, जिस गेम के बारे में कहा जाता है इस गेम को खेलने से कोई भी इंसान आत्माओं से बात कर सकता है, और ये लोग उस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। पर जल्द ही इन लोगों को रियलाइज होता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अनयूजुअल है यहाँ पर, और ये लोग उस गेम को खेलना बंद कर देते हैं। लेकिन काली आत्मा इनके पीछे पड़ जाती है, और आगे वो आत्मा इनके साथ क्या कुछ करती है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है सेंट मोर। ये मूवी आई थी साल 2019 में। ये एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मोड नाम की एक लड़की की, जो कि एक नर्स होती है, और इसको एक पेशेंट की जिम्मेदारी दी जाती है। ये उसका ख्याल रखे ताकि वो लंबे समय तक जी सके। लेकिन एक दिन इसकी पेशेंट मर जाती है, और ये इतनी ऑब्सेसिव हो चुकी है अपनी पेशेंट का ख्याल रखने में, ये उसके मरने के बाद उसकी रूह आत्मा तक को भी बचाना चाहती है। और उसकी आत्मा को बचाने के लिए ये क्या कुछ करती है, किस हद तक जाती है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट मूवी की ओर, और हमारी लास्ट मूवी है मलिग्नेंट। ये मूवी आई थी साल 2021 में। ये एक हॉरर क्राइम मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मेडिसन नाम की एक औरत की, जिसको अजीब अजीब सपने आते हैं, जिसमें वो देखती है किलर अनजान लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। पर मेडिसन इन सपनों को सिर्फ सपना ही समझती है, लेकिन जो ये सपने देखती है वही मेडिसन की रियल लाइफ में भी हो रहा है। एक्चुअल में लोग मर रहे हैं, जिसके बाद अगला नंबर मेडिसन का ही होता है। तो आगे मेडिसन के साथ क्या कुछ होता है, और मेडिसन को ये सपने क्यों आ रही है, सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई की, और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।